एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले रुक करेंगे अभी के सबसे बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड में वन अग्नि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। जंगलों में आग बुझाने का जिम्मा संभालेगी एनडीआरएफ। केंद्र ने उत्तराखंड में वन अग्नि की आपदा की श्रेणी में रखा है। उत्तराखंड में तैनात होगी एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन। वन अग्नि से निपटने के लिए एनडीआरएफ को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। बटालियन के 50 जवानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। देहरादून के केंद्रीय एकात्मिक राज्य वन सेवा में ये प्रशिक्षण दिया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की एआईसीसी लिस्ट सामने आने के बाद लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। लिस्ट में नाम ना होने पर कई कांग्रेस नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इस मामले को लेकर अब बीजेपी की ओर से भी बयान सामने आया है। राजपुर रोड से विधायक और प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान चल रही है, उससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी और आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, कुल मिलाकर के अगर कहा जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। किसको उन्होंने सूची में रखा है, किसको सूचीबद्ध नहीं किया है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु कुल मिलाकर के जो मैसेज गया वो भारतीय जनता पार्टी इससे और मजबूत होगी। जिस तरह से उन्होंने अपव्यापी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके नेता लोग जो कह रहे हैं, जैसे आज जैसे कि मदन बिष्ट जी का, माननीय विधायक जी का बयान जो पड़ा है, उन्होंने कहा कि वही जिता लेंगे। तो वही जिता लेंगे मतलब इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और जनता सब जानती है कांग्रेस कहीं नहीं टिक पा रही है आने वाले समय में। अभी हमारे अभी चाहे नगर इकाय का चुनाव हो और चाहे आने वाले 24 में चाहे अपने लोकसभा के चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी उभर कर के आई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास भी रहा है कुल मिलाकर के कि जो ये पांचों सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी। देहरादून में लाठी चार्ज के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि लाठी चार्ज के मामले लगातार माहौल खराब कर रही है और विरोधी पार्टियां लगातार माहौल खराब कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बेरोजगारों के आंदोलन में विरोधी पक्ष के खुरापाती तत्व घुस गए थे और उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उनको आदेशित किया है उस पर, जो है कि उनके नेतृत्व में, उनके उस पर निगरानी में इसकी मजिस्ट्रेट जाँच चल रही है। लाठीचार्ज और किस परिस्थितियों में वो लाठीचार्ज भी है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व और कुछ इस तरह के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने उस पर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, उस कारण से ये शायद घटना वहाँ पर हुई है। लेकिन इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिए गए हैं, जाँच आ जाने के बाद में इस पर। उत्तराखंड में प्लास्टिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में पहले 350 सिंगल यूज प्लास्टिक के उद्योग थे, जिन्हें प्रतिबंध के बाद बैन कर दिया गया था। लिहाजा अब सरकार नई नीति लाएगी, जिसके तहत प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादन पर फोकस रहेगा। चंदन राम दास ने बताया कि सरकार ने 350 उद्योग को नया पैकेज दिया है। ये उद्योग वैकल्पिक प्लास्टिक का उपयोग करेंगे। केंद्रीय बजट को पेश हुए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन बीजेपी के नेता अभी तक इस बजट की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टामचा ने केंद्रीय बजट की फिर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें सप्तऋषि के रूप में समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया गया है, ताकि विकास की राह देख रहे आखिरी व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि बजट में हरित विकास के साथ युवा पीढ़ी की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। अमृतकाल का ये देश का पहला बजट हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और कुशल विजन से भारत तेजी से विकास की ओर तरफ बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे के रूप में विकास और जोर उस विकास में जोर दिया जा रहा है। सप्तऋषि के रूप में समावेशी विकास, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना, उस पर निवेश करना, समताओं को आगे बढ़ाना, जो समताएं हमारे देश के अंदर हैं उन समताओं को और आगे अच्छा बढ़ाए, हरित विकास की तरफ भी इस बार के बजट में बहुत विशेष ध्यान। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से आगे बढ़ी, दुकानदारों ने खुद ही दुकान के बाहर रखा सामान हटाना शुरू कर दिया। दरअसल दुकानदारों ने दुकान के सामने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही जाम की समस्या भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। अभियान के दौरान कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। हमारा ये जो अभियान चलाया अभी कंटिन्यू चलेगा और कंटिन्यू इनकी चालानी कार्रवाई होगी। हमने क्या है कि दुकानदार अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए दूसरी दुकान को छुपा देते हैं, जिस वजह से अतिक्रमण होता है। एक ने अपनी दुकान आगे बढ़ाई, दूसरे ने भी अपनी दुकान आगे बढ़ा दी, तो इसमें हम कंटिन्यू चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और जो चालानी दी उनके RC काटेंगे और ये कंटिन्यू अभियान चला के अतिक्रमण से अपने शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। आज जैसे कि हमारे पुलिस मुख्यालय से निर्देश हमें आए हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ऊधम सिंह नगर महोदय द्वारा हमें अतिक्रमण पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी के क्रम में हमारे द्वारा श्रीमान अपने SDM साहब को भी एक पत्राचार किया गया था और EO साहब को भी करा था, तो उसमें ये निर्णय निकला कि जो भी ये अतिक्रमण हो रखा है इसको तत्काल हटाया जाएगा। तो उसी में आज ये प्रथम कार्रवाई की जा रही है, इसमें हमारे द्वारा होल्डिंग हटाई गई और बाहर जितने भी अतिक्रमण हुआ था उसको हटाया गया और कुछ लोगों के चालान भी करे हैं जिन्होंने बाहर लगाया हुआ था। और ये अतिक्रमण की कार्रवाई जो की गई है, इसे हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी हमारे स्तर से। अगर फिर आज हटाने के बाद फिर दोबारा से लगाते हैं तो उसमें हमारे द्वारा पुलिस एक्ट के तहत। अगली खबर पौड़ी जिले से है, जहां एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे छात्र का हाथ टूट गया। मामला कलजीखाल ब्लॉक के कांडा इंटर कॉलेज का है। आरोप है कि शिक्षक भूपेंद्र थपलियाल ने 9वीं के छात्र की पिटाई इसलिए की क्योंकि स्कूल परिसर में एक डॉगी घुस गया था और शिक्षक इसके लिए बच्चों को कसूरवार मान रहा था। पिटाई की वजह से बच्चे के हाथ की हड्डी टूट गई है। परिजनों को इस बात की चिंता सता रही है कि 27 फरवरी से परीक्षाएं होनी है और बच्चे के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ऐसे में बच्चा पेपर कैसे दे पाएगा। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मामले को लेकर जांच टीम बिठा दी गई है, जो 5 दिन के अंदर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सर, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है, वो राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के कक्षा 9 क्लास में पढ़ता है। सर, शुक्रवार की बात है, जब वो स्कूल गया था वहाँ के भूपेंद्र सर ने उसे बेवजह इस हद तक मारा है कि उसका हाथ ही टूट गया और 27 तारीख से पेपर है। अब वो पेपर कैसे देगा? मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, जो टीचर इस तरह से बच्चे को मारते हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया के कुछ कर्मियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि GIC कांडा के एक शिक्षक ने एक बच्चे को इतना मारा है कि उसका हाथ टूट गया है। मैंने GIC कांडा के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि घटना उनके विद्यालय की है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि बच्चा कौन था, किस कक्षा में पढ़ता था, टीचर कौन है, टीचर का नाम क्या है, कितनी चोट आई है, तो इस सब के बारे में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी श्री साबिद आलम जी को जांच अधिकारी बना के जांच दे दी है। 5 दिन के अंदर जांच आ जाएगी, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि शिक्षक दोषी सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि बच्चा लिखने की स्थिति में नहीं है तो परीक्षा के समय उसको श्रुति लेखक प्रदान किया जाएगा, जो उसके द्वारा आंसर बोले जाते रहेंगे और जो हम देंगे श्रुति लेखक। बंगिया संस्कृति सुधार समिति के इस कार्यक्रम में बंगाली समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने मातृभाषा बचाने के लिए अपने अपने विचार रखे।
पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि मातृभाषा बचाने के लिए मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस दौरान स्कूली बच्चों की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो चीजें बहुत जल्दी कैच करते हैं, लेकिन आजकल कॉन्वेंट का जमाना है। लेकिन उसको देखते हुए हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत 1 से लेकर 5वीं तक मातृभाषा बच्चों को पढ़ाया जाए। इसी कड़ी में जब मैं पिछले 5 साल मैं शिक्षा मंत्री था तो उस समय नई शिक्षा नीति के इस पार्ट को हमने उत्तराखंड प्रदेश में लागू किया है, जिसको अगले सत्र से बंगाली भाषा में मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी क्रम में बांग्ला भाषा को बचाए रखने और उसके संवर्धन उन्नयन हेतु संघीय संस्कृति सुधा समिति निरंतर प्रयास कर रही है। और आज ये प्रत्येक वर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर बांग्ला भाषा के प्रति, बांग्ला संस्कार और संस्कृति के प्रति जो है प्रेम जागे, उत्साह जागे, उसी उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हमी जी से और उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए ABC News।